कहीं भी लुम्बिनी टेम्पल का लोकेशन ही नहीं है, एंड दैट्स व्हाई वी हैव वेस्टेड वन आवर। अरे हो गया क्या, चलो जल्दी चलो। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ इनसाइड आउट इंडिया। आज है डे 5 और हम लोग नेपाल पहुंच चुके हैं, रादर सनोली में ही हैं, बॉर्डर में रुके हैं, रात भर इधर ही रुके रहे क्योंकि कल रात को हम लोग पहुंचे, कुछ 8:30-9 बजे तक पहुंचे। तो यहाँ हम लोग नेपाल प्लाजा नाम का एक होटल है जो नया अभी भी नया डेवलप हुआ है, तो काफ़ी अच्छा है, डिसेंट है, सब फैसिलिटीज़ है। अभी का प्लान ये है कि हम लोग जा रहे हैं लुम्बिनी देख के वापस आएंगे, वापस गेयरअप करेंगे, मतलब जो भी सामान इधर रखा है होटल में वो ले गए, और इसके आगे जाएंगे हम लोग काठमांडू। तो फिलहाल तक का यही प्लान है कि शाम तक काठमांडू का पहुंचना है। अब देखते हैं कितने अच्छे से एग्जीक्यूट होता है क्योंकि हम लोग थोड़ा सा शेड्यूल से पीछे चल रहे हैं, जैसे मैंने कल भी बोला आपको। तो अभी फिलहाल यही प्लान है कि पहले लुम्बिनी घूम के आए, जो कि 26 किलोमीटर्स हैं यहाँ से, तो आ जाके लगभग 3 घंटे लग जाएंगे, और उसके बाद यहाँ से हम लोग काठमांडू के लिए निकलेंगे। यहाँ भी काफ़ी ठंड है और यहाँ फॉग की इंटेंसिटी ज़्यादा है, मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए। और ये जो आप देख रहे हैं ये चीज़, ये एक नया अभी क्या बोल रहे हैं, कमान बन रही है इंडो नेपाल बॉर्डर की। जो पीछे वाली है वो काफ़ी छोटी है और वहाँ रास्ता भी अच्छा नहीं है, तो एक ये नया बन रहा है, ये अभी अभी बनना शुरू हुआ है। तो फिलहाल का जो प्लान है वो मैंने आपको अपडेट कर दिया है। लेट्स सी, लेट्स गो टू लुम्बिनी एंड वहाँ घूमते और देखते क्या है। सो गाइस, हम लोग अभी निकल चुके हैं, वी आर ऑफ टू लुम्बिनी, और ये होटल है जहाँ हम लोग रुके थे, होटल नेपाल प्लाजा। तो सब ठीक ठाक है फिलहाल, बहुत लोग घूमने को आया है। दिस पार्टी फ्रॉम गुजरात जो आए है घूमते हुए, दे आर बाइंग ग्लव्स एंड क्लोथ्स, ये यहाँ बहुत है मतलब लोकल बिजनेस जो है, एंड डिसेंट स्टफ ले सकते हैं, थोड़ा सा ठंड से उतना ही प्रोटेक्शन हो जाता है, डिज़ाइन एंड कलर्स भी अच्छे हैं, तो ये सब चीज़ें है। एंड होटल भी अच्छा है, अभी फ़िलहाल नया बना हुआ है। ओनली इशू है कि पानी का, जो गर्म पानी का टाइम है वो बहुत फिक्स है इसमें, मतलब सुबह 6 से 8 ही गर्म पानी आएगा, तो हम में से 2 ही लोग नहा पाए। उसके अलावा होटल सर्विस इज़ गुड, फूड इज़ ऑल्सो गुड, फूड भी एकदम फ्रेश बनाते हैं इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है, अदर देन और कुछ इशू नहीं है इसमें। हम लोग अभी रेडी हो चुके हैं, वी आर गोइंग टू लुम्बिनी एंड दिस इज चेतक, जो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है टचूड, एंड आई होप सो आगे भी करते रहे। थोड़ी सी हालत ख़राब हो गई है, दोनों टिम्सम टायर के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि दे आर एक्सट्रीमली गुड टिम्सम टायर्स, ऑफ रोड हो, क्रूजिंग हो, टूरिंग हो, कम्फर्ट वाइज भी बहुत बढ़िया। इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूँगा आपसे, फिलहाल तो निकलते हैं। हम लोग वापस होटल जा रहे हैं क्योंकि जो गूगल मैप ने लुम्बिनी टेम्पल का लोकेशन बताया था उस समय कुछ उस जगह पे कुछ भी नहीं है। तो अगर आप आ रहे हैं इधर तो गूगल मैप्स के लोकेशन से मत जाइए, लोकल्स को पूछिए कि लुम्बिनी टेम्पल कहाँ है, क्योंकि गूगल मैप पे कहीं भी लुम्बिनी टेम्पल का लोकेशन ही नहीं है, एंड दैट्स व्हाई वी हैव वेस्टेड वन आवर एंड वी आर गोइंग बैक टू द होटल। वैसे वापस डीले, मतलब क्या है यार, डीले पे डीले होते जा रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा लुम्बिनी करें या नहीं करें, करने का तो है इसलिए होटल जा रहे हैं, होटल से चेकआउट करेंगे, बैग बांधेंगे और सीधा लुम्बिनी जाने की कोशिश करेंगे। अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है, सो एवरीवन इज सो फ्रस्ट्रेटेड, सबके टेम्पर अभी कम होते जा रहे हैं, मतलब शॉर्ट होने वाले किसी तरह, क्या होता है यार।
गाइस हम लोग आ गए लुम्बिनी। थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ क्योंकि किसी को भी पूरी जानकारी नहीं है, तो यहाँ से कैसे जाए पता नहीं। अभी सब कंफ्यूजन कंफ्यूजन है। देयर आर नो बोर्ड्स, वेयर आर वी गोइंग, वी डोंट नो। सर ये लुम्बिनी टेम्पल कहाँ है? डोम जो है लुम्बिनी डोम कहाँ है? कितना दूर है यहाँ से? सो गाइस वी आर एट वर्ल्ड पीस पैगोडा। जो पीछे गए थे हम लोग वो थे मेन टेम्पल जहाँ बुद्ध जी का जन्म हुआ था। दिस इज़ वर्ल्ड पीस पैगोडा। अभी यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं काठमांडू, तो देखते हैं। अभी काफ़ी टाइम मतलब लग जाएगा पहुँचते हुए बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट 3 o'clock और 3 बज चुके हैं और अभी यहाँ से काठमांडू जाएंगे। थोड़ा सा टाइम हो गया पर अभी क्या करें, ये देखना ज़रूरी था क्योंकि लुम्बिनी इज़ अ गुड प्लेस। पर जो रास्ता है मतलब अगर आप सनोली से आ रहे हैं तो जो रास्ता है लुम्बिनी के लिए वो बहुत ही ख़राब है, तो उसके वजह से आने में लगभग 1 घंटा लग जाता है। 26 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है टोटल, पर रास्ता ख़राब होने की वजह से 1-1.5 घंटा लग जाता है। एंड यहाँ प्रॉपर साइन बोर्ड्स भी नहीं है कि पैगोडा कहाँ है और मेन लुम्बिनी टेंपल कहाँ है, तो आपको पूछ पूछ के आना पड़ता है। तो सर टाइम स्पेयर करते हुए आइए, बस यही कहना है। तो नाउ वी आर ऑफ टू काठमांडू, लेट्स सी। सर काठमांडू जाने का रास्ता आपका छोटा रास्ता था ये कि लामा वाला रास्ता था? ये जो चितवन से जाता है, चितवन से जाता है, जो चितवन से जाता है आपको यही से जाओ सीधा। अच्छा रास्ता है।